जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यदि आपके फार्म में नमी है यानी सीलिंग है तो ऐसी हालत पे आप बर्ड डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, यदि आप डालेंगे तो क्या दिक्कत होगी और क्या दिक्कत नहीं होगी, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे चलने से पहले आप लोगों से बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल ऑन कर लें। चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आप लोगों को आपके टॉपिक की तरफ लेकर के। ये आप जान लीजिए दोस्तों कि ठंडी का मौसम आ गया है और ठंडी के मौसम में अक्सर ये दिक्कत होती है कि आपके फार्म में थोड़ा सा गीलापन बना रहता है और कुछ ऐसे फार्म भी होते हैं जिनमें कि बाहर से नमी आया करती है यानी सीलिंग आया करती है, तो सीलिंग की वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके फार्म में सीलिंग है तो आपको बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि आप ऐसी हालत में बर्ड डालें कि ना डालें, तो आप बर्ड उसमें डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसमें थोड़ा सा निगरानी करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोगों को डाउट होता है कि अगर नीचे हम फार्म में पॉलिथीन या पन्नी या त्रिपाल बिछा दें उसके ऊपर अपनी बिछावन भूसी या छिलका बिछा करके अपने बर्ड को डालें तो क्या सेफ होता है, तो मैं बता दूँ कि आपका फार्म चाहे जितना गीला हो, कम गीला हो या ज़्यादा गीला हो, अगर आप उसमें से नीचे कोई आप पॉलिथीन या त्रिपाल आदि डालते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपका फार्म गीला ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि नीचे की नमी तो नहीं आ पाती, लेकिन जो आप बर्ड डालते हैं और जो बर्ड जो गीला करेगा भूसी वो आपकी सूख नहीं पाती है, तो आपकी भूसी अति गीली हो जाती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने फार्म को थोड़ा सा सूखा करें पहले, बर्ड डालने से 24 से 48 घंटा पहले आप अपने फार्म में अच्छी तरीके से चूना डालें। जैसा कि आपको मैं देखिए दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए बिल्कुल आपका ज़मीन फार्म के नीचे एकदम सफ़ेद हो जानी चाहिए इतना आप चूना मारें। और अगर आपका फार्म फिर भी ज़्यादा गीला है तो और थोड़ा ज़्यादा ही डालें आप, जिससे कि चूने से आपका फार्म थोड़ा सा नमी सोख लेगा और आपका फार्म सूखापन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप देखिएगा कि आपके फार्म में जहाँ थोड़ा ज़्यादा सूखा हो, यानी कि पूरे फार्म में आप निरीक्षण कर लीजिए, जहाँ पर आपका फार्म ज़्यादा सूखा हो वहाँ पर जो है आप अपने बर्ड को डालिए स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग आप वहाँ से करिए, ब्रूडिंग आप वहाँ पर बनाइए जहाँ ज़्यादा सूखा है, और उसके बाद में भूसी जो आपने फार्म में डालेंगे 3 से 4 अंगुल भूसी कम से कम आप डालिए और उसके ऊपर आप बर्ड डालिए। इसके बाद आप जितनी भी बार अपने लीटर की गुड़ाई करेंगे आप अच्छे से चूना मारेंगे लीटर पे, उसके बाद उसकी गुड़ाई करेंगे, और चूना आप इस तरीके से मारिए कि आपके बर्ड के ऊपर ना पड़े, बर्ड को साइड में हटा करके धीरे से आप चूना मारिए और उसकी गुड़ाई करिए। ऐसा करेंगे तो आपका फार्म गीला नहीं होगा और आपका बर्ड ईजिली अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि जिस एरिया में आपका बर्ड नहीं है उस एरिया में जो आप भूसी लगा रहे हैं, तो आपके फार्म में नमी है तो आप पहले से वहाँ पर भूसी लगा के न छोड़े, कहीं बाहर सूखे स्थान में भूसी को अपने रखिए, जब आपको बर्ड उसमें डालना हो तभी भूसी अंदर आप ले जाइए, इसके पहले आप भूसी गीले फार्म न लगाएं, नहीं तो आपकी भूसी गीली हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। धन्यवाद।